टीकमगढ़ जिले के नगर खरगापुर में बीते दिनों मूंगफली दाने की चोरी की घटना सामने आई थी। नगर के व्यापारी देवेंद्र कुमार जैन ने खरगापुर थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी। रात्रि समय उत्तम चंद जैन गोदाम के सामने मूंगफली दाने से लोड ट्रक के चालक राजू यादव एवं क्लिंजर के द्वारा 17 दिसंबर को चोरी हो गया था, जिसमें 400 बोरी मूंगफली दाने वजन 200 टन करीब कीमत 16 लाख रुपए थी। रात्रि का फायदा उठाकर गोदाम से चोरी कर ट्रक सहित लेकर भाग गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के निर्देशन में अलग अलग टीमों को गठित किया गया था, जिनके द्वारा निरंतर साइबर सेल की मदद से जानकारी जुटाई गई। सूचना पर पता चला कि आरोपी गण द्वारा चुराए गए माल को रायपुर छत्तीसगढ़ तरफ ले जाए जा रहे थे। पुलिस द्वारा 48 घंटे के अंदर अमलाई फैक्ट्री के पास जिला दमोह से आरोपी सहित मूंगफली ट्रक बरामद किया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। दिनांक 16 तारीख को खरगापुर के रहने वाले श्री कपूर चंद जैन ने थाने आकर एक FIR दर्ज करवाई थी कि इनकी गोदाम पे दिनांक 14-15 तारीख को एक ट्रक UP 93T 4650, जिसमें इनने करीब 400 बोरी मूँगफली दाने लूट किए थे। लूट करवाने के बाद में इनने अपने अंदर ही रख दिए थे, किसी कागजात वगैरह तैयार नहीं हुए थे। इसको वाहन का ड्राइवर और क्लीनर बिना इन्हें बताया वो चोरी करके निकल गए हैं और करीब इसमें 16 लाख रुपए के मूंगफली दाने भरे हुए थे। चूँकि मामला गंभीर था, इस संबंध में हम लोगों ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करा के अग्रिम दिशा निर्देश प्राप्त किए और श्रीमान एडिशनल एसपी महोदय SDOP महोदय ने भी हम लोगों को इस मामले में आगे सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। जो थाने के सब इंस्पेक्टर नितेश जैन, राजवीर साहब, इन लोगों ने साइबर सेल से लगातार संपर्क कर जानकारी एकत्रित की गई कि अगर ऐसा ट्रक उसके ड्राइवर क्लीनर लेके गए हैं तो कहाँ जा सकते हैं। साइबर से मदद लेने पर मालूम पड़ा कि उसका ट्रक छत्तीसगढ़ रायपुर तरफ रवाना हुआ है। जो थाने से उप निरीक्षक राजवीर सिंह के साथ में एक टीम रवाना की गई और लगातार इन लोगों को हम लोग प्रेस कर रहे थे। इसी दरमियान जानकारी मिली कि उत्तर डमो में हिमलाई फैक्ट्री के पास में ढाबे के यहाँ पे है, जहाँ जाके इन लोगों ने उस ट्रक को जब्त किया, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जिसे आज दिनांक को हमने न्यायालय पेश कर। कितने आरोपी हैं सर? इसमें दो नामजद आरोपी थे और प्रकरण की जो विवेचना है इसमें इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि आखिर ड्राइवर और क्लीनर ने इतनी बड़ी घटना की है तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। इनके पहले सर, इसके पहले और भी इनके ऊपर केस है चोरी के, ऐसा कुछ आगे आपराधिक रिकॉर्ड इनके जहां के रहने वाले हैं वहां से हम लोग निकलवा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।